आज कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस के पास भाजपा को हराने की क्षमता नहीं है। पिछला 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, येदियुरप्पा जैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए जनता के लिए साफ था कि कांग्रेस एक तरफ किसानों की दुर्दशा पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, और कांग्रेस संगठन के रूप में बहुत कमजोर होने के कारण भाजपा को कोई चुनौती नहीं दे पाई। अब साफ है कि यदि भाजपा को हराना है, भाजपा निश्चित रूप से देश के स्तर पर और मध्य प्रदेश में देखें तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार को फैला रही है। मध्य प्रदेश में भी किसानों की बहुत दुर्दशा हो चुकी है, मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। आज अगर भाजपा का कोई विकल्प हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी हो सकती है। साफ है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और हम इसलिए अपील करते हैं सभी से कि सब लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को देने के लिए, एक जन पक्षीय राजनीति को देने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ आए।